Assalamu alaikum. Hello friends, welcome back to my channel. I am Saima and you are watching Lifeline with Saima. Let's start the video. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी फ्रॉक. आप किस तरह से कटिंग के दौरान जो कपड़ा बच जाता है उसको यूज़ करके बेबी फ्रॉक बना सकते हैं. बेहद आसान है. ये देखिए, ये मैंने आज ही एक ड्रेस जो है उसको स्टिच किया है, तो उसमें से ये कपड़ा बचा था, तो मैंने कहा चलें इसकी ना खूबसूरत सी फ्रॉक बना के अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं. बहुत ही खूबसूरत और ये ड्रेस था, और इसमें से जो कपड़ा बचा था मैं इसे रीयूज़ करके फ्रॉक बना रही हूँ. जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने ये जो कपड़े थे इनको मैंने एग्जैक्ट कटिंग करके, जो भी इसमें से यूज़ेबल पीस थे उनको मैंने अलहदा कर लिया है. यहाँ पर ये दो पैनल हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट पैनल हैं. इनमें तकरीबन लंबाई जो है वो 18 इंच होगी और चौड़ाई जो है वो 8-8.5 तक होगी. ठीक है, इतनी इसकी मेजरमेंट है. 8 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी दो पट्टियाँ मैंने ली हैं प्रिंटेड. और यहाँ पर ये दो प्लेन जो है ना पैनल मैंने लिए हैं, ये बिल्कुल येलो कलर में है, प्लेन है ये. तो इनकी जो है ना वो लंबाई हमने लेनी है जितनी लंबाई हमने दूसरे पैनल के लिए थी उतनी ही हम इसकी लंबाई लेंगे. जैसे वो 18 इंच लंबा था जो प्रिंटेड पैनल था, तो इसी तरह प्लेन पैनल जो है इसको भी हम 18 इंच लंबा रखेंगे. और चौड़ाई आपके कपड़े की जितनी भी हो आप उतनी ही रख लीजिएगा. तकरीबन यहाँ पर जो है मेरे पास 13 इंच है. जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा इसमें चुनट आएंगे, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. ठीक है, तो चौड़ा आपके पास जितना भी कपड़ा हो आप कोशिश करें कि आप रख लें, और लंबा आपने उतना रखना है जितना हमने ये प्रिंटेड पैनल लंबा रखा था. इसी तरह प्रिंटेड जो कपड़ा है उसमें से ये कुछ कपड़ा बचा था उसकी मैंने 4 पट्टियां तैयार की हैं. इन पट्टियों की लंबाई चेक कर लेते हैं. 17 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी. 17 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी आपने 4 पट्टियां काट लेनी है. अभी हमें जो फ्रंट साइड है उस पर गले की कटिंग करनी है. जितना आप गला चौड़ा रखना चाहें उसका हाफ आप यहाँ पे निशान लगाएंगे. मैं तकरीबन 1.8 पे निशान लगा रही हूँ चौड़ा, और लंबा जो है वो तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच गहरा रख लें आप गला. हल्की सी गोलाई में इसकी शेप दूंगी मैं. गोल गला बनाने के बाद हमें इसमें एक कट रखना है, और कट जो है वो तकरीबन 3 इंच होगा. 3 इंच गले के नीचे आपने 3 इंच निशान लगा लेना है, और इसकी हम कटिंग करेंगे. यानी गोल गला और सामने की तरफ 3 इंच का कट आएगा. चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. सेम उसी तरह जिस तरह हमने फ्रंट साइड के गले की की चौड़ाई रखी थी, उसी तरह हम बैक साइड के गले की उतनी ही चौड़ाई रख के, और गहरा हम इसे तकरीबन 1.5 इंच रखेंगे, और इसको भी हल्की सी गोल शेप देके इसकी कटिंग करेंगे. Thank you.
बैक साइड के गले की कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्रंट और बैक के जो पैनल हैं इनकी उल्टी रुख को यानी सॉरी सीधी रुख को आपस में मिलाते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। अंदर की तरफ आप इसकी सीधी रुख करेंगे। कंधे जो है वो मैंने जोड़, ये देखिए यहाँ पे अपने कंधे पे इसकी सिलाई लगानी है। तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा कम जो है वो आपने सिलाई में दबाना है और दोनों तरफ कंधों पे सिलाई लगानी है। और जो आपने सिलाई लगानी है वो कपड़े के उल्टे रुख लगानी है, सीधा रुख जो है वो बाहर की तरफ होगा। अभी मैंने यहाँ पे ये छोटी सी जो है ये लूप जो है वो तैयार की है। इस लूप को हम इससे अटैच करेंगे। जो हमने कट रखा है कुर्ते में वहाँ अटैच हो गया ये लूप। लूप को आपने कुर्ते की सीधी रुख पे लगाना है और इसके जो ओपन वाली साइड है यानी उसको आपने कट की तरफ रखना है ताकि तैयार होने के बाद ये लूप टर्न हो के दूसरी साइड की तरफ फोल्ड हो। अभी हम लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस कपड़े को हमें रखना है कुर्ते की सीधी रुख और उल्टी रुख से हमने ये जो कट लगाया है इसके गिर एक पैर का निशान लगा ले और फिर उस निशान पे सिलाई कर ले। एग्जैक्ट कट के साथ साथ आपने निशान लगाना है इस तरह और नीचे आपने कॉर्नर बनाने हैं दो। सेम इसी तरह स्टिच करते हुए आप वापस आएंगे। स्टिचिंग हो गई है, अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले सेंटर में हम कट लगाएंगे। जो हमारा कट ऑलरेडी लगा हुआ था अभी हमने जो कपड़ा अटैच किया है इस पर भी हमें कट लगाना है। स्ट्रेट कट करने के बाद कॉर्नर्स में हम इसके तिरछा कट लगाएंगे और नोक तक कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह कट लगाएंगे। इन कट्स को लगाने का मकसद ये है कि कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाए और नोक खूबसूरत बने। अभी आपने इस कट के गिर्द सिर्फ एक इंच कपड़ा छोड़ना है और बाकी कपड़ा काट देना है। एहतियात से काटिएगा, कुर्ता नहीं कटना चाहिए। ये देखिए तकरीबन एक इंच ही है, मैंने अंदाजे से काटा है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले मेजर कर लें फिर कटिंग करें। इसको मैं प्रेस करके टर्न करके ले आई हूँ और ये देखिए इसके कॉर्नर भी मैंने अच्छे से बिठा लिए हैं। और इस कपड़े को एक्स्ट्रा जो है मैंने डबल फोल्ड किया है। हाथ की मदद से इसे तुरपाई कर लें या फिर आप सिलाई कर लें। एक्स्ट्रा कपड़ा लें और इसको आप अंदर की तरफ रख के फिर सिलाई करें। किनारों पे मैंने ना मशीन की मदद से सिलाई लगाई है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें क्या करना है कि हमें दो इंच चौड़ी आपने पट्टी लेनी है अरेब और इसकी लंबाई आपने इतनी रखनी है जितनी गले की चौड़ाई है। इस पट्टी को हम डबल करके गले के गिर्द लगाएंगे सीधी रुख पे। और जब आपने इस पट्टी को लगाना है तो आपने इसे खींच के रखना है। खींचने का मकसद ये है कि इसमें गुलाई आए। ये
ये देखिए मैंने इस पट्टी को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पर हमें सिलाई लगानी है, पट्टी के किनारे पर सिलाई लगानी है जोड़ वाली जगह पे। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये है कि पट्टी आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। किनारे पे सिलाई लगा के मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है और इसके किनारों पे पट्टी के गिर्द मैंने सिलाई कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें क्या करना है कि हमें जो हमने लूप बना के मैंने ऑफ कैमरे में तैयार की थी वो हम लगाएंगे। डोरियाँ कह लें या लूप कह लें, कुछ भी कह लें आप उन्हें, वो हमने लगानी है। उसके लिए मैंने ऊपर से कंधे से लेकर और नीचे तक ये तकरीबन 7 इंच पे निशान लगाया है। आप इसे हल्का सा कट लगा लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 7 इंच पे निशान लगा लें या कट्स लगा लें कैंची की मदद से, छोटा सा कट लगा लें। ये फ्रंट और बैक के पीसीज हैं, इनको मैंने फोल्ड किया इसलिए ये 4 तहें बनी हैं। तो इस पर मैंने छोटा सा कट लगा लिया है 7 इंच पे। ये मैंने जो है डोरियां जो हैं वो ऑफ कैमरे में तैयार कर ली थी। जो हमने कट्स लगाए हैं उन कट्स पे रख के आप इन डोरियों को सिलाई करेंगे और डोरी का रुख आपने इस तरह से रखना है जैसे मैंने ये रखा है। हर चारों कट पे आपने एक एक डोरी रखनी है और इसे स्टिच कर लेना है। डोरियां लगा ली है मैंने, डोरियां इस वक्त अंदर को हैं। जब हम इसे तैयार कर लेंगे तो डोरियां बाहर के रुख आ जाएंगी स्टिच होने के बाद। अभी हमें क्या करना है कि जो प्लेन कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे हमने कलियों के साथ सीना है। और हमेशा कोशिश करें कि नीचे से आप ऊपर को स्टिच करना शुरू करें। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर को निकल जाएगा, अगर छोटा बड़ा हो तो वो कंधे में कवर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पर भी आपने दूसरी जो येलो कलर का पैनल है वो आपने रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करना है। ये दोनों साइडों पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि प्लेन पैनल जो है येलो इसकी हमने एक रुख पकड़नी है और इसे हमने ये जो प्रिंटेड पैनल है इसके साथ सीना है। इस प्लेन पैनल को हम इस रुख के साथ सीएंगे और दूसरी तरफ का जो पैनल है उसको हम दूसरी तरफ स्टिच करेंगे और इसे भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ सीना है। ऑफ कैमरे में मैंने ये दोनों पैनल्स जो हैं इन्हें जोड़ लिया है। ये बैक साइड है, ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ये पैनल थोड़े लंबे थे तो इसको मैं ऊपर की तरफ निकाल लिया है। ये कंधे की कटिंग में कट जाएंगे। इस स्टेप के आके हमें फ्रॉक के जो बाजू के आर्म होल वाला हिस्सा है उसकी कटिंग करनी है। इसके लिए आपके पास तीरे की मेजरमेंट होनी चाहिए। पहले ऊपर की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जितना भी आपका तीरा हो, जैसे अगर तीरा 8 इंच है या 9 इंच है तो 9 का हाफ 4.5, 4.5 पे निशान, 4.5 अगर 9 है तो 9 का हाफ 4.5, तो हमने यहाँ पे निशान जो लगाना है वो 4.5 की बजाय 5 पे लगाना है। आधा इंच जो हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं वो सिलाई के लिए बढ़ा रहे हैं।
जितना आप कंधा गहरा रखना चाहते हैं उतना गहरा रख के आप यहाँ पे कंधे की गोलाई बना के इसकी कटिंग कर लें। और ये कंधा जो होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा नॉर्मल साइज़ से, ये थोड़ा सा खुला होगा। इसका मकसद ये है कि फ्रॉक में शेप लाने के लिए हम कंधे को बड़ा रखेंगे। ये देखिए ये कंधा काफ़ी बड़ा है, इसी से जो है ना ये शेप आएगी इसमें। जस्ट आप तीरे का माप ले लें और कंधा जो है वो आप फ्री हैंड थोड़ा बड़ा रख के काट लें। दोनों साइड के कंधे कट गए हैं। अभी हमें क्या करना है कि ऊपर से जो तीरे वाला हिस्सा है यानी कुर्ते के जो कंधे वाला हिस्सा है उनको हम ऊपर से जोड़ लेंगे। यहाँ पे हमें स्टिच करना है तकरीबन आधा इंच छोड़ते हुए, आधा इंच आपने सिलाई में दबाना है और स्टिच करना है दोनों साइड से। सिलाई हो गई है मुकम्मल। अभी हम आ गए हैं कंधे वाली साइड पे। यहाँ हमें क्या, मैंने ये जो बाजू थे इनकी कटिंग करके और इन्हें ऑफ कैमरे में तैयार कर लिया था। अब आप इन बाजुओं को जोड़ने का तरीका बेहद आसान है। अगर आप ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि आप बाजू किस तरह से अटैच कर सकते हैं कुर्ते में या फ्रॉक में। एक ही मेथड होता है कुर्ते में फ्रॉक में बाजू लगाने का, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे कुर्ते में जो है वो साइड पर जोड़ नहीं है, इसलिए हमें जो बाजू लगाने हैं वो ऊपर से शुरू करने हैं, कंधे के सेंटर से शुरू करने हैं और गोल कवर करना है सारा। ठीक हो गया। इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को आपने किस तरह से लगाना है कि कपड़ा जो है ना, कपड़ा जो है वो आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी प्रिंटेड वाली साइड पे आपने अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करके और प्रिंटेड साइड के किनारे भी आप सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि डोरियाँ बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, जब अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को आप प्रिंटेड साइड की तरफ टर्न करेंगे तब डोरियाँ जो हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी और हम चाहते हैं कि डोरियाँ बाहर की तरफ आएँ। फाइनल एंड लास्ट मेथड इसमें ये है कि आपने इसके जो दामन है उसको फोल्ड करके स्टिच करना है। तकरीबन हाफ इंच आपने वन टाइम देन हाफ इंच फिर से, यानी टू टाइम आपने इसे फोल्ड करना है और बारीक सी सिलाई लगानी है किनारे पे। इस तरह से आपने इसे बारीक सा फोल्ड करना है और किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए जी हमारा बहुत ही खूबसूरत फ्राक जो है वो सिल्के हो गया है तैयार। डोरियाँ जो है उन्हें मैंने बांध दिया है और इसमें ऊपर की तरफ मैंने बटन लगाना है। अभी वो लगा के फिर मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है, काफ़ी मेहनत भी हुई है इस पर। बहुत ही नफीस किस्म का और उमदा किस्म का ड्रेस है। जो बच्ची है वो थोड़ी सी हेल्दी है, इतनी हेल्दी नहीं है, ये थोड़ा सा लूज़ है फ्रॉक, वो इसलिए ताकि ये साइड पे हम डोरियाँ बांध सकें और इसमें खूबसूरत से चुनट आए। वीडियो कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल को प्रेस करें, उससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच जाएगा।